हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम आपको फिर से एक सिंगल कलर के स्वेटर डिज़ाइन बताऊंगी। रिक्वेस्टेड वीडियो है, रिक्वेस्टेड की कह सके हम लगभग अपने चैनल पर डबल कलर के ही स्वेटर डिज़ाइन बताए हैं। तो हमारी कई फ्रेंड का रिक्वेस्ट था कि मैम प्लीज़, आप बहुत अच्छे से बताती हैं, तो आप हमारा वीडियो देखा एंड ऐसा कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही ढेर सारा प्यार एंड आशीर्वाद देने के लिए, तो ऐसे हमारा दो चैनल और भी है, माया विकास मिश्रा, जिस पे हम होम रेमेडी, हेयर केयर, स्किन केयर, ब्यूटी पार्लर सिखाते हैं, तो और एक माया मिश्रा ब्लॉग। तो प्लीज़ जैसे इस चैनल पर हमें ढेर सारा प्यार एंड आशीर्वाद दे रहे हैं वो, वैसे उन दोनों चैनल पर भी ढेर सारा प्यार एंड आशीर्वाद दीजिएगा। तो उनके रिक्वेस्ट से आपका धन्यवाद। आपने ये कहा कि मैम आपने बहुत अच्छा बताया है, बट आपने सब डबल कलर के ही बनाया है, तो हमें सिंगल कलर के स्वेटर डिज़ाइन चाहिए। तो उनके रिक्वेस्टेड से तो हम अब प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम सिंगल कलर के कुछ स्वेटर डिज़ाइन आप लोगों के लिए डालें। तो सो देखिए, अभी हमने डाला है, मुझे लगा कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगी। तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। तो देखिए, हमारी राइट साइड एंड ये हमारी बैक साइड, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, बहुत ही आसान डिज़ाइन है। इसे आप जेंस स्वेटर, अब फुल स्ट्रेचेबल डिज़ाइन है वो आप देख सकते हो, आप इसे जेंस स्वेटर में डालिए, बहुत ही सुंदर लगेगी, गजब की लगेगी। बनाने के बाद बिल्कुल यूनिक लगेगा, क्योंकि जेंस स्वेटर में ऐसे ही इधर उधर के डिज़ाइन भी नहीं डाल सकते, क्योंकि जेंट्स स्वेटर बाहर जा रहे हैं तो कम से कम कुछ लगना चाहिए कि हाँ कुछ पहना हुआ है। तो इसके लिए हमने जेंट्स स्वेटर के डिज़ाइन में ये डालने की बता रहे हैं आपको, बाकी तो आप किसी भी स्वेटर पे किसी भी चीज़ में आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। ये तो ये देखिए, फंदे हमने डाल लिए हैं पहले से ही एंड राइट साइड, जैसे आपने बॉर्डर बना लिया, और बॉर्डर बनाने के बाद सीधे की तरफ से हम डिज़ाइन को शुरू करेंगे, राइट साइड सीधे की तरफ से डिज़ाइन को शुरू करेंगे। तो ये देखिए, राइट साइड हमारी फर्स्ट रो, पहली सिलाई जो होगी वो सीधे की तरफ से शुरू होगी। तो ध्यान से देखिएगा, पहले फंदे को हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे और धागा आगे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। इसके बाद ये लास्ट वाले फंदे को उठा के आपको दोनों फंदों में हमें क्रॉस करा देना है, ये। अब धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। अब यही जो सिक्स फंदे हम बताए हैं, यही आपको बार बार रिपीट करना, जैसे हम बताए हैं सेम उसी प्रकार से। तो फिर से देखिए, धागा पीछे, एक दो तीन, तीन फंदा सीधा बनाइए, एक फंदे को आप दोनों फंदों के बीच से क्रॉस करा लीजिए इस प्रकार से, और धागा आगे करिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। ये तो आपकी पैटर्न है, यहाँ तक लास्ट के फंदे को आप चाहे उल्टा बना लो एंड चाहे सीधा बना लो। तो फर्स्ट रो जो है वो कंप्लीट हो गई। अब देखिए, बैक साइड, पीछे की तरफ, उल्टे की तरफ, रॉन्ग साइड, दूसरी सिलाई, तो इसे तो स्लिप कर लेंगे, धागा आगे करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, हो गया। अब फिर से करेंगे तो ये दो फंदे जो हमने क्रॉस कराए हुए फंदे हैं उसे हम दो बुन लेंगे। आप ऐसे ध्यान दीजिए कि जो तीन फंदे का दो बनाया है उसे दोनों को हम उल्टा बुनेंगे और धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, जो स्लिप वाले फंदे हैं उसे हम इस बार उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। उल्टे की तरफ आपको यही करना है, दूसरी सिलाई में दो फंदा उल्टा बुन लेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। लास्ट के फंदे को आप चाहे उल्टा बना लो चाहे सीधा। सेकेंड रो जो है वो कम्प्लीट हो गई। अब आइए थर्ड रो, तीसरी सिलाई। पहले फंदे को स्लिप किया, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब ये दो फंदे आ गए डिज़ाइन के, पैटर्न के हमारे दो फंदे। अब इसे हम तीन करेंगे, एक बुना, एक लपेटा और एक बुना, हो गया। अब धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा स्लिप, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। फिर से धागा पीछे करेंगे, एक फंदे में तीन फंदे, तो एक बुना, एक लपेटा और एक बुना, बस धागा आगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। ये आपका पैटर्न का
तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई, थर्ड रो कंप्लीट। अब आइए फोर्थ रो, चौथी सिलाई। चार सिलाई की ही डिज़ाइन है, अब ध्यान से देखिएगा, चौथी सिलाई में हम वही करेंगे जो दूसरी सिलाई में किया है, बट इसमें हम दो फंदा बुने थे, इसमें तीन। तो देखिए, एक उल्टा बुना, एक सीधा। अब इस बार ये हमारा तीन फंदा बुनेंगे, तीन का फिर तीन हो गया, एक दो ये तीन। पिछली बार दो ही फंदा था क्योंकि एक फंदा हम क्रॉस करा दिए थे तो घट गया था। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। चौथी सिलाई कंप्लीट हो गई, ये देखिए। और डिज़ाइन भी आपको कुछ ना कुछ पता चलने लगा होगा। ये कितनी इजी डिज़ाइन है, बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। आप किसी भी ऊन में बनाओगे, फोर प्लाई टू प्लाई, तो डिज़ाइन अच्छी लगेगी। तो यही फोर्थ रो बार बार रिपीट करेंगे। फिर भी आप एक बार और देख लीजिए, पहले फंदे को स्लिप किया एंड एक फंदा उल्टा बुना, ये। अब धागा पीछे, एक दो ये तीन। अब दोनों फंदों के बीच से इसे हम क्रॉस कराएंगे, ये हो गई। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा स्लिप, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। इन दोनों फंदों से इसे हम क्रॉस करा देंगे, ये। फिर से धागा आगे, एक उल्टा, धागा पीछे, सीधा, धागा आगे। लास्ट के फंदे को तो आप चाहे जैसे बना लो, ये पैटर्न से कोई मतलब नहीं। अब देखिए ये डिज़ाइन, यही फोर्थ रो हम बार बार रिपीट करेंगे। आप देखिए चार सिलाई बन गया, ये तो हम एक पांचवी सिलाई है, ये मतलब रिपीट करने वाली है, यही हम बार बार रिपीट करेंगे। फिर से उल्टे की तरफ जाएंगे, तो उल्टे की तरफ एक सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा उधर से। इसके बाद ये दो फंदे को हम उल्टा ही बुन लेंगे, फिर से ये सीधा उल्टा सीधा, फिर ये दो फंदा उल्टा। इस साइड जब आएंगे तीसरी सिलाई में, तो इसे हम तीन फंदा फिर कर लेंगे, क्योंकि ये अभी दो हो गया है, तो इसे फिर से हम तीन कर लेंगे। यही फोर्थ रो हम बार बार रिपीट करेंगे, तो ये वाला पैटर्न कंप्लीट हो गया। पैटर्न तो आप देख ही सकते हो, बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि कितना खूबसूरत लग रहा है। अब बनने के बाद आप सोचिए, ये जेंट्स स्वेटर में डालोगे तो कितना खूबसूरत डिज़ाइन ये लगेगा। ये अब बनने के बाद तो बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल लगेगा रेडीमेड जैसे। किसी भी प्रोजेक्ट पर आप अप्लाई करिए। तो फ्रेंड्स, आप इस डिज़ाइन को ट्राई करिएगा एंड हमारे साथ शेयर जरूर करिएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। टेक केयर, बाय बाय।